बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब मेरे यूट्यूब दोस्तों? आज मैं आपको पुरानी स्कूल की शर्ट्स इस्तेमाल करने का एक बहुत ही अलग सा तरीका बताऊंगी। ये मेरे पास एक शर्ट है जो बहुत ही पुरानी हो चुकी है और इसको कोई भी इस्तेमाल में नहीं ला सकता, ना किसी को दे सकते हैं, क्योंकि ऊपर से थोड़े सुराख वगैरह बने हुए हैं, बटन भी टूटे हुए हैं कुछ। तो मैंने एक आध बटन जो टूटा हुआ था उसको ठीक कर लिया है। अब मैं इसके ये जो बाजू हैं इनको तने के हिसाब से सीधा यहाँ से काट रही हूँ। अब दोनों तरफ के बाजुओं को हमें ऐसे ही काटना पड़ेगा यहाँ से, ताकि ये जो कपड़ा है वो हम मुस्ततील एक हासिल कर सकें इसके अंदर से। दोनों तरफ के बाजू कट गए हैं। अब जो गले वाला हिस्सा है उसको भी इस तरीके से काट लेंगे कि कपड़ा ज़ाया भी ना हो और हमें जिस तरह की चीज़ चाहिए वो भी मिल जाए। तो यहाँ से बराबर करके आप चाहें तो एक स्केल की मदद से सीधी लाइन लगा के और एहतियात से इसको काटते हैं। वैसे भी ये कमीज़ जो है इसके ऊपर लाइनें बनी हुई हैं, तो उस तरह आसानी से ये सीधी जो है कट जाती है। यहाँ से मैं इसके ऊपर वाले तने को जो है मैंने लाइन लगा दिए और इसको यहाँ से सीधा काटूँगी। आप देखिए मैं इसको यहाँ से काट रही हूँ गले वाली साइड से, क्योंकि ये हिस्सा हमें नहीं चाहिए, उसको अलग कर लेंगे काट करके। दूसरी साइड से भी ये काट लिया। इसी तरह पिछला तना जो है उससे भी इस गले को सीधा अलग कर लें। अभी मैं थोड़ा ज़्यादा ही रख रही हूँ ताकि नीचे वाली साइड से बराबर करने के बाद अगर कपड़ा फालतू हुआ तो उसको बाद में भी काटा जा सकता है, लेकिन पहले अगर कट कर लिया तो फिर ये कम हो सकता है। तो इसलिए कम ना हो जाए और ख़राब ना हो जाए, ऊपर से मैं गले का बहुत कम शोल्डर का जो हिस्सा है उसको काट के अलग कर रही हूँ। अब जो है हम इसकी दूसरी साइड से भी इसी तरह काट लेंगे। पहले हम ये करते हैं कि ये जो हिस्सा मैंने काटा है यहाँ से इसको पिन अप कर लेते हैं। हिजाब पिनों की मदद से इसको यहाँ से पिन अप कर लें, बाद में इसको यहाँ से सिलाई करके जोड़ देंगे। तो पिन अप करने का मकसद ये है कि ये अपनी जगह से हिले ना और कपड़ा हम सीधा इसके अंदर से काट सकें। ये दोनों तरफ से पिन अप हो गया, बाद में इसकी यहाँ से सिलाई की जाएगी। अब देखते हैं आप इसके नीचे वाला जो हिस्सा है, मुझे लगता है इस शर्ट का थोड़ा सा गोल है, तो उसको भी ऐसे बराबर करके नीचे वाली साइड से यहाँ से बराबर कट के करके इसको भी यहाँ से सीधा जो है इस लाइन में काट लेंगे, क्योंकि ये हमें गोल नहीं चाहिए बल्कि सीधा चाहिए। सीधा मैंने इसको काट लिया है। अब यहाँ से भी इसके जो हिस्से हैं उनको पिन अप कर लें, क्योंकि यहाँ से भी हमें सिलाई करनी है। ये पिन अप कर लिया, यहाँ से बाद में सिलाई कर लेंगे। अब ऊपर जो शोल्डर वाला हिस्सा है वो जो पीछे वाला उसका पार्ट है इस शर्ट का, वो थोड़ा ज़्यादा जो आ गया है उसको हम सीधा करके यहाँ से अगले वाले हिस्से के साथ बराबर करके इसको भी काट लेते हैं। यहाँ से भी काट लिया। अब इसको भी यहाँ से पिन अप कर दें, बाद में सिलाई करेंगे। अब देखिए मैंने ये इसकी सिलाई कर ली है।
चारों तरफ से इसकी सिलाई कर ली। एक और स्कूल की जो शर्ट थी सफ़ेद कलर की, उसको भी इसी तरह से बिल्कुल इसी अंदाज़ में बाजू काटने के बाद और हिस्सों को बराबर काटने के बाद सिलाई कर लिया है। अब हमें कोने भी थोड़े से हमें रेक्टेंगुलर ऊपर उसके चाहिए, थोड़े से कोने भी हमें चाहिए, क्योंकि हमने इसके अंदर फोम डालने के बाद इसको एक फ्लोर कुशन की शक्ल देनी है। तो कोनों को भी सीधा, सारों को बराबर जो है कोनों को इस तरह से सीधा सिलाई कर ली। दोनों शर्ट्स की मैंने सिलाई कर ली है कोनों से। अब देखिए ये कोनों से, यहाँ से हमें सिलाई करने के बाद चारों कोनों से सिलाई कर ली है। देखिए सीधी तरफ से कुछ इस तरह से नज़र आता है कि यहाँ से ये देखें, ये कोनों की सिलाई करने के बाद कुछ इस तरह से पार्ट जो है इसका बन गया है। इसी तरह दूसरी शर्ट का भी इसी तरह से हमने जो है सिलाई कर ली थी, उसका भी इसी तरह से ये देखें, ये उसका भी चारों कोनों से इस तरह का हिस्सा हमें हासिल हो गया है। तो दोनों शर्ट्स जो बहुत पुरानी थी और काबिल इस्तेमाल नहीं थी, उनसे बहुत अच्छे से फ्लोर कुशन के कवर बन गए हैं। एक पुराना मैट्रेस घर में पड़ा हुआ था जो फेंकने वाला था, तो उसका मैंने एक जो कोर सा पार्ट जो है वो काट लिया है, ये देखें। और इसको पहले मैं सफ़ेद वाली शर्ट के कवर में डालती हूँ, क्योंकि सफ़ेद जल्दी गंदा हो जाता है। तो इसको मैंने, और मज़बूत भी है ये, तो इसको नीचे मैंने कवर कर लिया है। अब बटन जो है वो बंद कर दें तो बस हमें ना जिप लगाने की ज़रूरत पड़ी और ना ही यहाँ से बहुत ज़्यादा सिलाई हुई। तो बहुत आसानी से, क्योंकि पहले से ही बहुत सारे पार्ट सिले हुए होते हैं शर्ट के, तो बहुत ही आसानी से आप सुई की मदद से या मशीन की मदद से ये फ्लोर कुशन का कवर जो है आसानी से बना सकते हैं। इसको मैंने दूसरी शर्ट का जो कवर बनाया है उसके अंदर डाल देंगे। तो ये जो है इस तरह से नीचे वाला पार्ट जो है वो गंदा नहीं होगा, तो ऊपर जो है उसको हम उतार के दोबारा से धो कर फिर चढ़ा सकते हैं। अब ये शर्ट्स इतनी पुरानी है कि अगर हम इसको इस्तेमाल करते हैं इस तरीके से फर्श पर बैठने के लिए, बच्चे भी इस्तेमाल करते हैं, तो हमें कोई दुख नहीं होगा कि ये ख़राब हो गई है, जल गई है, क्योंकि आजकल सर्दियों का मौसम है तो हीटर के आगे नीचे ज़मीन पर भी बैठा जाता है, तो उसके लिए ये बहुत ही करामत चीज़ जो है वो तैयार हुई है। देखें कितनी अच्छी शक्ल इसकी निकल आई है, ये फ्लोर कुशन तैयार है। तो इसको आप ज़मीन पर रख कर बैठ सकते हैं। बहुत शुक्रिया, अगर वीडियो पसंद आई हो, ये चीज़ बहुत अच्छी लगी हो, तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।